आज यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड सेरिकल्चर इज द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज इन अवर कंट्री। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी है, उन्होंने बहुत काम किया है रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स जब से मोदी जी की सरकार बनी है, ताकि ये इंडस्ट्री आगे चले, लोगों से इसको रोजगार मिले और लोग अपना काम इससे करें। एंड जैसे अभी मैडम ने भी बोला कि हमें अपना ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ के आगे नहीं चलना है, हमें अपने ट्रेडिशंस को आगे बढ़ा के इसको फैशन इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार मुहैया करवाना है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द सेरिकल्चर फार्मर्स। हमारे जम्मू में भी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस संस्था की वजह से वजूद में आई है, और कश्मीर में एक संस्था सेरिकल्चर फार्मर्स की, और हमारे साथ हैंडलूम वीवर्स भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और हैंडलूम के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं थोड़ा वो आप लोगों से भी शेयर करूंगा कि हम किस तरह से, क्योंकि एक्चुअली जो ये हमारी सेरिकल्चर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्टिविटीज है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रहने से ये पिछड़ जाते हैं। तो इनको कैसे ऑर्गेनाइज्ड करके, इनको कैसे मार्केट के साथ लिंक करके, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स को टैप करके, जैसे नबार्ड है, डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट्स है, डेवलपमेंट कमीशन हैंडलूम्स है, तो इनको क्लब करके हम कैसे सेरिकल्चर फार्मर्स हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स एंड हैंडलूम वीवर्स का सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो मेन मकसद तो हमारा यहाँ आने का वही है। दूसरा मकसद है जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम और टसर सिल्क, टसर जो आप सिल्क बनाते हैं, तो दिस इज फेमस फॉर झारखंड ओनली। तो यहाँ पे मैं अभी पता कर रहा था, तो यहाँ तो 99% टसर सिल्क होता है, और रेस्ट सिल्क हमारे 5 सिल्क्स है, तो बाकी 1% होता है। लेकिन हमारे एरिया में जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो मलबरी सिल्क है, दैट और टसर सिल्क जैसे अभी आप सब लोगों को पता है इसको अहिंसा सिल्क भी कहते हैं, तो इसका एक्सेप्टेंस दिन ब दिन एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ता जा रहा है। तो इसको प्रमोट करने और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में बहुत से चांसेस है, और इसमें इससे बहुत से वैल्यू एडिशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। हम झारखंड गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हमें एक मौका दे दिया, ताकि हम यहाँ के सेरिकल्चर फार्मर्स हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्टिजन्स और उनसे डायरेक्टली संवाद कर सके, ताकि हम देखें कि वो क्या बना रहे हैं, कहाँ पे क्या गैप है, तो हम कैसे उनके प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी हमारा एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट मार्केट है तो उसमें भी हम उसको ले जा सके। तो हमें उम्मीद है कि जो ऑनरेबल सीएम साहब है और हमारे ऑनरेबल यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी झारखंड गवर्नमेंट की है, तो इनसे हमें पूरा सहयोग मिलेगा, और फिक्की का भी हम सहयोग चाहते हैं कि ताकि हम इस इंडस्ट्री जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री सेरिकल्चर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, ताकि हम कुछ यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स करें, लोकल लोगों को साथ लेके उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट, उनका मार्केट लिंकेज और अदर इंटरवेंशंस करके यहाँ की इस इंडस्ट्री को, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाए, ताकि यहाँ के लोगों की सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। थैंक यू वेरी मच। और मुझे